फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में इस प्रकार की सेंटेंसेस का बहुत यूज करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ बता रहा हूँ। गाइज, इस प्रकार की वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेजेस कहते हैं कहाँ कुछ, कहाँ कुछ, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हार्डली एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हार्डली, हार्डली के बाद आपको यूज कर देनी है वर्ब, वर्ब के बाद एनीथिंग। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। मैं कहाँ कुछ बता रहा हूँ, आई एम हार्डली टेलिंग एनीथिंग, आई एम हार्डली टेलिंग एनीथिंग। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, आई एम हार्डली सेइंग एनीथिंग, आई एम हार्डली सेइंग एनीथिंग। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, उसने मेरे गुस्से को हंसी में उड़ा दिया। तुम मेरी सोच को हंसी में क्यों उड़ा रहे हो, उसने मेरी बातों को हंसी में उड़ा दिया। गाइस, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलने से पहले हमको पहले ये जानना पड़ेगा हंसी में उड़ाना इसे हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं लाफ ऑफ, लाफ ऑफ। चलिए कुछ एग्जांपल का मदद से इसकी यूज़ को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तुम मेरी सोच को हंसी में क्यों उड़ा रहे हो, वाई आर यू लाफिंग ऑफ माई थाट्स, वाई आर यू लाफिंग ऑफ माई थाट्स। उसने मेरी बातों को हंसी में उड़ा दिया, ही लाफ्ड ऑफ माई वर्ड्स, ही लाफ्ड ऑफ माई वर्ड्स। उसने मेरे गुस्से को हंसी में उड़ा दिया, ही लाफ्ड ऑफ माई एंगर, ही लाफ्ड ऑफ माई एंगर।